प्रियर गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में रिकॉर्ड नई वीडियो के साथ। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा था, हम लोगों को ना फ्रैंकलिन भैया को मारना पड़ा था क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन चुके हैं। क्या बात कर रहे हो शिनचैन भैया, आपने मार दिया फ्रैंकलिन भैया को। अरे यार तुम लोग आराम से बात करो, इस साइड आ जाओ, सिक्योरिटी गार्ड्स को मत बताओ, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अरे ऐसे कैसे कर दिया शिनचैन भैया आपने। अरे यार बहन मैं क्या करते हैं, फ्रैंकलिन भैया माइकल भैया को खाने वाले थे और ट्रेवर भैया को भी, तो यार मुझे करना ही पड़ा यार। अरे मेरे फ्रैंकलिन भैया इस दुनिया में नहीं है। हाँ यार बहन अब वो नहीं है इस दुनिया में। अरे यार नहीं शिनचैन भैया ऐसे मत बोलो प्लीज, भैया ऐसे मत बोलो यार, हम लोग का क्या होगा। अरे बेटा अब हम क्या कर सकते थे, वो ज़ॉम्बी बन चुका था पूरी तरीके से, अगर हम उसे नहीं मारते तो वो तड़प तड़प के मर जाता, इसलिए हम लोगों ने उसे एक साथ ही मार दिया। हाँ यार गाइस यार आप लोग को तो पता ही है सब क्या हुआ था, प्लीज इन लोग को समझाओ। हमें कुछ नहीं समझना शिनचैन भैया, आपने अच्छा नहीं किया। हाँ भैया आपने अच्छा नहीं किया। अरे यार बहन मेरी कोई गलती नहीं है, माइकल भैया से पूछो जाके। यार माइकल भैया ऐसा क्यों किया। अरे बेटा मैं बता रहा हूँ ना, अगर वो तड़प तड़प के मर जाता उससे हमें क्या मिलता, इसलिए हम लोगों ने उसे ऐसे ही मार दिया जिससे हमारे दोस्त है उसे तड़पना ना पड़े। हाँ यार वो बहुत ज्यादा तड़प रहे थे हमारे फ्रैंकलिन भैया, वो बहुत बार बार फ्रैंकलिन भैया बन रहे थे और बार बार यार वो यार वापस से मतलब ज़ॉम्बी बन जा रहे थे। अरे यार भैया क्या करेंगे हम लोग। अरे बहन समझ नहीं आ रहा, गाइस आप लोग देख रहे हो यार बारिश हो रही है, यानी कि आप समझ गए ना ज़ॉम्बी हमारे आस पास आ चुके हैं, हमारे घर पर भी अटैक हो सकता है। गाइस यार हम लोग को चलकर देखना चाहिए क्या हो रहा है यहाँ पर। अरे सब लोग ठीक तो है ना। अरे सर बिल्कुल चिंता मत करो, ज़ॉम्बीज का अटैक हो चुका है लॉस सैंटोस में, आप चिंता मत करो, ये एकदम हम लोग सेफ रहेंगे। ज़ॉम्बीज का अटैक हो चुका है गाइस, मैं यहाँ से चढ़कर देखता हूँ एक सेकंड। वो देखो गाइस यार यहाँ पर ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। अरे बाप रे कैसे, वो एक काम कर दो उस ट्रक पर चल जाओ। अरे शिनचैन बेटा ऐसे मत करो, नीचे गिर के। अरे बाप रे मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, चलो गाइस मैं वापस से ऊपर आ गया। अरे शिनचैन भाई माइकल भैया अंदर आ जाओ। अरे ये डॉगी कहाँ से आ गया यार, अरे जल्दी से अंदर आ जाओ माइकल भैया। यार चलो हम लोग को अंदर चलना चाहिए गाइस, यहाँ पर ज़ॉम्बी का अटैक हो चुका है। और यार गार्ड ध्यान रखो यार, छत पर भी एक डॉगी आ चुका है ज़ॉम्बी का, मैंने देखा भी। अरे यार गाइस पता नहीं ये सब क्या हो रहा है यार लॉस सैंटोस के अंदर, लेकिन हम लोग फ्रैंकलिन भैया को अब कैसे बुलाएंगे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। गाइस आप लोग के पास कोई आइडिया हम फ्रैंकलिन भैया को जिंदा कर सकते हैं तो प्लीज हमें बताओ जल्दी से। हाँ यार गाइस यार प्लीज बताओ, फ्रैंकलिन भैया के बिना तो मन ही नहीं लग रहा। हाँ गाइस प्लीज बताओ ना फ्रैंकलिन भैया को हम लोग वापस कैसे लाएंगे। अरे यार बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, माइकल भैया को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। गाइस हम लोग क्या करें, बिल्कुल भी नहीं आ रहा समझ, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। गाइस अगर आप लोग भी चाहते हो कि यार हम लोग फ्रैंकलिन भैया को वापस लेकर आए तो प्लीज यार फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ यार गाइस जल्दी से करो, जैसे हमारे 9 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम फ्रैंकलिन भैया को बुला लेंगे। हाँ यार गाइस यार अगर आप लोग हमारे 9 लाख सब्सक्राइबर करवा देते हो ना तो हम लोग फटाफट से फ्रैंकलिन भैया को जिंदा कराने की कोशिश करेंगे और उन्हें जिंदा करके ही रहेंगे हम लोग। हाँ यार गाइस हम लोग पक्का जिंदा करके ही रहेंगे। अरे बाप रे ट्रेवर भाई ये देखो, ये क्या हाल हो चुका है यहाँ पे। अरे पर ये हुआ कैसे, मुझे लगता है यहाँ पर ज़ॉम्बीज अटैक करने लग चुके हैं, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, आपके पास कोई आइडिया है क्या। अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, एक सेकंड मुझे लगता है ज़ॉम्बी है यहाँ पे, ये ज़ॉम्बी आ चुका था, ये पूरी तरीके से मार दिया हमारे इन लोगों ने, लेकिन ये लोग एक साथ कैसे मर गए। मुझे लगता है ज़ॉम्बीज के पास जो हथियार है ना उन्होंने कार पे मारे और कार ब्लास्ट हो चुकी है यहाँ पे, वो तो सही है हम सब लोग अंदर थे। अरे लेकिन यहाँ पर रुकना तो अब सेफ नहीं है बिल्कुल भी। ड्राइवर भाई आप एकदम सही कह रहे हो, यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, लेकिन हम लोग फ्रैंकलिन को कैसे वापस बुला सकते हैं। अरे माइकल थोड़ा बेतुका आइडिया है मेरे पास, लेकिन एक आइडिया है जिससे हम फ्रैंकलिन को वापस से जिंदा कर सकते हैं। क्यों क्या बात कर रहे हैं, कौन सा आइडिया है। अरे बस है एक आइडिया। हाँ तो बताओ ना ड्राइवर भाई मुझे। मेरे पास बस एक आइडिया है, वो तुम्हें बेतुका लगे तो मैं नहीं बताऊंगा। अरे तुम बताओ, मैं फ्रैंकलिन को वापस लाएंगे कुछ भी कर सकता हूँ। टाइम मशीन की बात कर रहा हूँ माइकल। क्या टाइम मशीन, ये कौन सी बेतुकी बात है। अरे भाई तो मैं बोल रहा था बेतुकी बात लगेगी, लेकिन एकदम सही बात है, क्यों ना हम लोग अपने पास्ट में जाकर फ्रैंकलिन को यहाँ से जाने से रोक देंगे तो हो सकता है हम सब लोग बच सकते हैं। अरे पर हम लोग को तो कुछ हुआ भी नहीं है। अरे मेरा कहने का मतलब है फ्रैंकलिन बच सकता है, क्योंकि अगर हम लोग उसे पास्ट में जाकर रोक देंगे जब वो यहाँ से निकल रहा था तो हो सकता है कि हम लोग उसे यार आसानी से यार बचा सकते हैं, और वो इस वाले जन्म में भी मतलब इस वाली सेंचुरी में भी वो यहाँ पर एकदम जिंदा वापस रहेगा। अरे हाँ वैसे बहुत तो तुम सही कह रहे हो, चलो शिनचैन की बात बताते हैं। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। अरे शिनचैन बेटा सुनो मेरी बात। ये क्या हुआ, ये धमाका कहां से हुआ था। बेटा यहाँ पर ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, और मेरे पास एक आइडिया भी है यहाँ पर फ्रैंकलिन को वापस जिंदा करने का। अरे क्या बात कर रहे हो, कैसा आइडिया भैया।
अरे मेरा आइडिया है वो। हाँ ड्राइवर भाई का आइडिया, चलो मेरे साथ जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। हाँ ठीक है चलो चलते हैं। मैंने एक कार भी मंगा ली, जल्दी से आ जाओ, बहुत सेफेस्ट कार है। हाँ चल माइकल चल, जल्दी से चल यहाँ से। हाँ चलो चलते हैं गाइस, हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि हमें कुछ भी करके एक टाइम मशीन को जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे हम लोग फ्रैंकलिन भाई को वापस जिंदा कर सकते हैं। और ऐसा हम लोग कर सकते हैं, मुझे अच्छे से समझ आ चुका है ड्राइवर भाई का क्या कहना था। इन ज़ॉम्बीज़ को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने दिमाग खराब कर दिया है, इनकी वजह से हमारा फ्रैंकलिन भाई नहीं रहा इस दुनिया में। मैं चेक करता हूं, जल्दी से आओ कार के अंदर बैठो। हां चलो 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 जल्दी चलो। एक काम करता हूं, मैं इन लोग को यहां पर मारना शुरू करता हूं जिससे शिंगजन मिंचन हिमावारी को ना काटे। पीछे की तरफ देखता कोई भी नहीं, जल्दी से आ जाओ बच्चों। हां चलो भैया मैं आ गई। अरे मैं भी आ गया भैया, मैं भी आ रहा हूं। अरे यहां से थोड़ा पीछे की तरफ से आ जाओ जल्दी से। एक सेकंड, पुलिस वालों को क्या हो गया? हम भी ज़ॉम्बी की तरफ से हैं, इस वायरस को हम लोग करने देंगे, कोई भी इसे नहीं रोक सकता। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, लगता है सब कुछ तुम्हारा ही खेल था। इन्हें नहीं छोड़ूंगा मैं, मेरी आरपीजी का है, इन्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। सब बच्चों पीछे हो जाओ। अरे यार भैया रहने दो, रहने दो। अरे नहीं, इन्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा, भागो यहाँ से। तुम्हारी ऐसी की तैसी, मेरे बच्चों पे तुम लोग हमला करते हो। अरे पर भैया सिक्योरिटी गार्ड वाले ऐसे क्यों कर रहे थे? मुझे लगता है ये लोग भी उन लोगों से मिले पड़े हैं। हाँ मुझे भी लगता है, जिसने भी ज़ॉम्बी वायरस फैलाया है यहाँ पर, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, ये सब लोग उसी के आदमी थे। अरे छोड़ो छोड़ो, अभी हमें फ्रैंकलिन को वापस लाना है, जल्दी से बैठो हमारी गाड़ी में। अरे पर भैया यार प्लान क्या है? अरे प्लान मैं बता दो सब कुछ, जल्दी से आओ। चलो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अरे भैया अब तो बताओ यार क्या प्लान है फ्रैंकलिन को वापस लाने का? बेटा प्लान हमारे पास ये है कि हम लोग को एक टाइम मशीन बनवानी पड़ेगी। क्या बात कर रहे हो भैया, कैसे बेतुकी बात है? हाँ बेटा बेतुकी बात मुझे भी लग रही थी, मतलब ड्राइवर भाई का आइडिया ऐसा है कि हम लोग एक टाइम मशीन में जाएंगे, मतलब मैं और ड्राइवर भाई जाएंगे। अरे मैं भी चलूंगा अगर सब चलेंगे तो। अरे नहीं बेटा, वहां पर खतरा हो सकता है। अरे नहीं मैं भी चलूंगा भैया। अच्छा ठीक है, मेरा प्लान सुनो पूरा। हाँ बोलो बोलो। अभी हम लोग चल रहे बैनी के पास और उसे हम लोग ऑर्डर देते हैं एक टाइम मशीन का, जिससे वो जल्द से जल्द बना देगा और हम लोग टाइम मशीन से ना पास्ट में जाएंगे और फ्रैंकलिन को ना हम लोग खाना जो लेने गया था हम सब के लिए वो लेने से हम लोग रोकेंगे, जिससे कि हम लोग उसे वहां पर जाने से रोकेंगे ना तो वो मरेगा नहीं, उसे ज़ॉम्बी काटेंगे नहीं और वो इस वाली प्रेजेंट वाली जिंदगी में भी वो जिंदा हो जाएगा। अरे यार भैया ये तो एकदम सही आइडिया है, किसका आइडिया, इतना मस्त आइडिया, यानी हम फ्रैंकलिन भाई को वापस से जिंदा कर सकते हैं। हाँ बेटा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। हाँ मैं हूं ना आपके साथ। अरे बेटा ये हम लोग अकेले नहीं कर पाएंगे। अरे फिर कौन करेगा? गाइस आप लोग को यार सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्रैंकलिन को वापस बुलाएं तो फटाफट से आज हमारे 9 लाख सब्सक्राइबर करवाओ। हाँ यार गाइस यार प्लीज 9 लाख सब्सक्राइबर करवाओ जल्दी से। हाँ गाइस जल्दी से करवाओ। अरे भैया कहाँ से ले जा रहे हो? अरे बेटा हम लोग को इस ज़ॉम्बीज़ को उड़ाते उड़ाते जाना है, आप लोग देख सकते हो लॉस सैंटोस में कोई भी घूम नहीं रहा है, सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं। हम लोग को फटाफट से यहाँ से निकलना चाहिए आगे की तरफ और कैसे भी करके बैनी के शोरूम पे पहुंचना चाहिए। अरे पर यार वो बैनी भैया अपने शोरूम पे नहीं होंगे, उनके वो मतलब यार अपने घर पे छुपे पड़े हैं। देखते हैं बेटा वो कहां पर होगा, या मैं उसे फोन करके उसके शोरूम पे बुला लेता हूं, क्योंकि गाइस उसके तरफ अभी तक मतलब यार ये ज़ॉम्बी वायरस चला नहीं है यार बिल्कुल भी, मतलब उसके यहाँ बिल्कुल भी ये ज़ॉम्बी वायरस नहीं है, ये कार बीच बीच में रुक रही है। अरे ढंग से चला माइकल। अरे अब चिंता मत करो गाइस, देख सकते हो यार फटाफट सब्सक्राइब करो यार, हम लोग सब ज़ॉम्बीज़ को उड़ाते जा रहे हैं, इसे भी उड़ाएंगे और इसे भी उड़ाते जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। यार भाई यार जल्दी से चलो, जल्दी चलते हैं। भैया कितना टाइम और लगेगा, मुझे डर लग रहा है। अरे डर मत भाई, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, यहीं पर बैनी का घर है और थोड़ी सी उसकी फैक्ट्री भी यहीं पर है, वो देखो वो खड़ा बैनी। हाँ चलो भैया चलो फटाफट से। ओके गाइस फाइनली आ चुके हैं। बैनी क्या हाल चाल है तुम्हारे? अरे अरे मैं तो बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। अरे यार एक सेकंड यार, यहाँ पर मेरी आवाज फ्रैंकलिन जैसी हो रही है ना? यार भैया मेरे को भी लग रही है। एक सेकंड यार मैं अपनी आवाज सही कर लूँ थोड़ी सी। आप ठीक है? एक सेकंड यार, एक सेकंड भैया मैं बात करूँ क्या बैनी भैया से? हाँ कर लो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अरे बैनी भाई क्या हाल चाल है? अरे बढ़िया एकदम बढ़िया हूँ मैं। अरे यार बैनी भैया हमारी हेल्प करो प्लीज यार। हाँ बताओ क्या हेल्प चाहिए? अरे देखो हुआ ये कि फ्रैंकलिन अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या क्या बेतुकी वाली बातें कर रहे हो? अरे बेतुकी नहीं मैं सच कह रहा हूँ, वो उसे ज़ॉम्बी वायरस ने काट लिया था और हमें उसे मारना पड़ा। क्या बात कर रहे हो, तुमने उसे मार दिया? हाँ तो मारेंगे नहीं क्या, वो सबको खाने जा रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, तो हमसे क्या चाहते हो तुम? हम ये चाहते पहले तो तू कैसी बात कर रहा है? अरे मजाक कर रहा हूँ, चल बता 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 क्या चाहिए तुम्हें? अरे हमें चाहिए एक टाइम मशीन, तू बना सकता है? हाँ बना दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है, मैं बना दूंगा। बताओ कब तक चाहिए? कब तक बना के दे सकता है तू? मुझे कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे। क्यों 2-3 दिन? हम लोग चाहते हैं कि फ्रैंकलिन को वहां पर जाकर हम लोग खाना लेने से रोके, क्योंकि वो खाना लेने गया था और उसे ज़ॉम्बी ने वहीं पर काट दिया था। अच्छा अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम करता हूं, मैं तुझे जल्द से जल्द ना अपने सारे वहां पर वर्कर्स को लगा दूंगा और मैं जल्द से जल्द तुझे यार बना के दे दूंगा टाइम मशीन। और ध्यान रहे वहां पर कुछ भी खराबी नहीं होनी चाहिए टाइम मशीन में, क्योंकि मेरे साथ शिंगचैन भी जाएगा। अच्छा अच्छा चिंता मत कर, कुछ भी खराबी नहीं होगी, तुम लोग आसानी
से जाओगे, आसानी से आ जाओगे। ठीक है ठीक है ठीक है ट्रेवर भाई। अरे बिल्कुल बढ़िया है फ्रैंकलिन, चल 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 चल। एक सेकंड में फ्रैंकलिन नहीं माइकल हूँ ट्रेवर भाई। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे फ्रैंकलिन की याद आ रही है इसलिए। अरे मवारी बेटा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, उसे कुछ नहीं है, वो सो गई थी, एकदम से उठ के बाहर आ गई। अच्छा अच्छा चलो जल्दी से बैठो कार के अंदर। अरे हाँ चलो 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 बेनी, प्लीज जल्द से जल्द बनवा देना। अरे तो चिंता मत कर, बिल्कुल भी मैं बनवा दूंगा। अरे यार जल्द से जल्द बैठो यार, तुम लोग ड्राइवर भाई जल्दी से बैठो। हाँ अभी बैठ रहा हूँ भाई। मैं उन्हें समझ, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि हम लोग को अगर पता चल गया ना कि किस कौन से साइंटिस्ट ने ये वायरस फैलाया है यहाँ पे, तो हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई एकदम सही बात है, मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, उनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। अरे चिंता मत करो बेटा, चिंता मत करो, एक काम करते हम लोग इस वाले होटल में रुक जाते चलकर। अरे यार इस होटल में पक्का जगह है ना? अरे चिंता मत करो बेटा, यहाँ पर 2-3 दिन तक कोई भी ज़ॉम्बी नहीं आने वाले हैं, तो हम लोग 2-3 दिन तक यहाँ पर सेफ हैं। मेरे हिसाब से हमें तो यहाँ का प्लेन पकड़ के हमें अमेरिका जाना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे, क्योंकि हमें अभी टाइम मशीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ भैया ये भी एकदम सही बात है, हमें फ्रैंकलिन भैया होते ना तो हम लोग निकल जाते। एकदम सही कह रहे हो बच्चों। चलो गाइस अभी हम लोग एक काम करते, इस होटल के अंदर चलते फटाफट से। चलो यहाँ से अंदर फटाफट चलते हैं। हाँ यार चलो भैया चलो। ओके ओके, इसके अंदर कोई रहता नहीं है क्या? होटल का मालिक है क्या कोई? अरे कोई भी नहीं है यहाँ पर तो। अरे फिर यहाँ पर कैसे रहेंगे हम लोग? अरे तुम आ जाओ ना, जब कोई आएगा तब देखा जाएगा, आ जाओ। अरे पर किसी ने हमें चोर समझ लिया तो? अरे यहाँ पर मेरे बहुत कॉन्टेक्ट है, चिंता मत करो। एक सेकंड, यहाँ पर ये कितना गंदा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें रात गुजारने के लिए चाहिए ये। 1-2 दिन तक यहाँ पर ये खूनम खून क्यों हो रखा है? अरे भाई ये कैसी जगह है यार? अरे शिंचन बेटा जल्दी से ऊपर आ जाओ, हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, किसी का होटल नहीं है, ये ऐसे यहाँ पर पड़ा रहता है। चलो यहाँ पर तो सोने का जुगाड़ हो जाएगा बच्चों का, इधर शिंचन भिंचन सो जाएंगे हम लोग, ये वाले इधर सोफे पे सो जाऊंगा मैं, और ट्रेवर भाई अपनी जगह देख लेना। अरे यार मेरी भी जगह देख ले माइकल, ऐसा मत कर। अरे अरे देख रहा हूँ यार, चिंता मत करो। एक काम करो, आप जमीन पे सो जाओगे क्या? अरे मैं क्या सो जाऊँ जमीन पे, तू सो जा। चलो ठीक है मैं सो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बच्चों कहाँ रह गए तुम लोग? अरे अरे माइकल भैया। अरे कहाँ चले गए थे बच्चों? अरे यार माइकल भैया हम लोग यार मौसम देखने लग गए थे, खराब होते जा रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ एकदम सही बात कर रहे हैं बच्चों। अच्छा अच्छा बच्चों, बच्चों किसे कह रहे हो? अरे यार मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी भैया सॉरी। हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो इस साइड चलकर देखते क्या चीज है। अच्छा यहाँ पर बालकनी है, लेकिन ये एकदम सेफ नहीं है, यहाँ पर मुझे कवर करवानी चाहिए या फिर नहीं करवानी चाहिए? अरे यार यहाँ पर क्या कवर करवाओगे जब 1-2 दिन के लिए? हाँ ये भी सही बात है, और देखो गाइस बादल यहाँ पर भी होने लग रहे हैं, और हम लोग को ना ये वाली बालकनी बिल्कुल यूज नहीं करनी। अरे फिर कौन सी करनी है? आ जाओ मैं दिखाता हूँ। अरे तुझे बड़ा पता है माइकल, और नहीं तो क्या ट्रेवर भाई, यहाँ पर पहले आ चुका हूँ मैं। अरे तभी बोलो, तभी सोच रहा था मैं क्यों तू यहाँ पर क्या ढूंढ रहा है। अरे मैं ढूंढ नहीं रहा था, मुझे यहाँ का जो मालिक है ना इस होटल का, वो मुझे जानता है अच्छे से, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया था, लेकिन वो यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए अगर हम लोग उसे बिना बताए भी यहाँ रुकेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो देखो यहाँ पर ये लोग आराम से अपने डॉगीज को घुमा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं यार, यहाँ पर कोई जानवर तो नहीं दिख रहा। अगर जानवर यहाँ पर हुए ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ज़ॉम्बीज ने अगर जानवर को काट लिया तो वो जानवर भी यार ज़ॉम्बी बन सकते हैं। वो देखो अपने कुत्ते को वहीं पर छोड़ के जा चुकी है, उसका कुत्ता उसका पीछा कर रहा है, इन्हें लगता है ज़ॉम्बी वायरस के बारे में पता नहीं है। अरे भैया मुझे भी यही लगता है, इन्हें पता नहीं है बिल्कुल भी। अरे अरे एक काम करो गाइज, आप लोग बताओ, आप लोग चाहते हो हम लोग फ्रैंकलिन को वापस बुलाएं या फिर ना बुलाएं? एक काम करते हैं, मैडम से बात करता हूं। अरे मैडम अपने कुत्ते का ख्याल तो रखो जाके। अरे आ जाएगा ना, तेरे को क्या हो रहा है? अरे ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा है। अरे मैं नहीं मानती ज़ॉम्बी वॉर्मी में, फालतू के फेक न्यूज़ फैलाते हो। अरे यार इनकी ऐसी की तैसी, वो देखो डॉगी आ चुका है, कितना वफादार है। छोड़ो गाइज, आप लोग बताओ यार, अगर आप लोग चाहते हो फ्रैंकलिन को हम लोग वापस लेकर आए, हम लोग मतलब उसमें जाएं या फिर ना जाएं, फटाफट से कमेंट करके बताओ। और ये कहां रहेगा शिंचन बेटा, जल्दी ऊपर आओ। हां भैया अभी आ रहे हैं इस वाले गेट से। अच्छा ठीक है जल्दी से आ जाओ। गाइज आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताओ, हमें फ्रैंकलिन को वापस लाना चाहिए फिर नहीं लाना चाहिए? अरे ऑफ कोर्स लाना चाहिए माइकल। हां ठीक है, सही बोल रहे ट्रेवर भाई, लेकिन गाइज हम लोग यहां पर ना ज्यादा टाइम तक नहीं रुक सकते, इसलिए हम लोग यहां पर सो जाते हैं, मतलब यार बहुत ज्यादा थक चुके हैं, और हम लोग यहां पर कल उठेंगे और देखते हैं यहां पर कल का क्या सीन रहता है। अरे यार भैया मैं आ गया। हां बेटा चलो अब सो जाओ जल्दी से, क्योंकि रात होने ही वाली है और मुझे समझ नहीं आ रहा यहां पर क्या क्या हो सकता है। चलो देखते ही देखते शाम पूरी तरीके से हो चुकी है, और अभी तक यहां पर हम लोग एकदम सेफ है, यानी कि अभी तक ज़ॉम्बीज यहां पर आए नहीं है। अरे यार भैया पर कभी भी आ सकते हैं ज़ॉम्बीज? अरे कोई बात नहीं, आएंगे तो यहां से भी हम लोग चल लेंगे, और टाइम मशीन बस एक बार बन जाए, हम लोग बस फ्रैंकलिन को वापस ले आए, उसके बाद बस हमें अमेरिका निकल जाना है यहाँ से। हाँ यार भैया एकदम सही बात है। हाँ एकदम सही बात है भैया। चलो अब सो जाते हैं हम लोग और सुबह उठते हैं।
भैया ये सब क्या हो गया? अरे माइकल देखिए जरा ये सब क्या हो रहा है। हाँ देखता हूँ, मैं देखता हूँ ये एकदम से क्या हो गया। एक सेकंड यहाँ पर चल कर देखता हूँ। अरे बाप रे, यहाँ पर भी ज़ॉम्बी अटैक हो चुका है, लेकिन ये कार वाला अभी तक निकल रहा है। अरे भागो भागो भैया भागो, ज़ॉम्बी से अटैक हो चुका है यहाँ पर। एक सेकंड गाइस, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर ज़ॉम्बी से अटैक हो चुका है। अरे यार मेरे पास गन भी नहीं है। एक सेकंड, मेरे पास गन है, मैं जल्द से जल्द गन लेकर आता हूँ। अरे तेरे पास कहाँ है? अरे मेरे पास रखी है, तू चिंता मत कर। अरे बाप रे, ज़ॉम्बी अंदर आ चुका है। अरे भैया इसे मारो मारो मारो। हाँ बेटा मार दो, मैं इसे, ये यहाँ पर कैसे आ सका है, इसे मारना चाहिए। मारो 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 बेटा। हाँ यार भैया मार रहा हूँ मैंने। अरे इसकी ऐसी की तैसी, यहाँ पर शिंचन ठीक तो ना? अरे भैया थोड़ा सा ठीक हूँ मैं, उसे काटने वाला था, वो भी मुझे काटने वाला था, लेकिन हम लोग बच गए। अरे बेटा लेट हो मत, उठ जाओ जल्दी से। हाँ भैया जल्दी से उठ रहे भैया। एक सेकंड, ये शिंचन तुम्हें भी काट लिया ज़ॉम्बी ने? अरे यार भैया यार क्यों आपको पता चल गया? अरे बेटा ये कैसे हुआ? अरे यार मेरे बेटे को काट लिया शिंचन को। अरे ये नहीं हो सकता, नहीं 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 शिंचन बेटा उठ जल्दी से। अरे भैया मेरे को काट लिया ज़ॉम्बी ने। अरे बाप रे, एक काम करो ट्रेवल भाई, जल्द से जल्दी से हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ चलो 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 जल्दी चलते हैं। अरे मेरे शिंचन भैया जल्दी से उठो। अरे शिंचन भैया उठ जाओ। अरे बाप रे, ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आ चुके हैं अंदर की तरफ, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ट्रेवल भाई जल्दी से जल्दी शिंचन को गाड़ी में बिठाओ। चलो हमने शिंचन को कार के अंदर बैठा चुका है, जल्द से जल्द बैठो पिंचन इंचन। अरे भैया सब लोग बैठ रहे, आप चिंता मत करो। ट्रेवल भाई जल्दी से बैठो। ट्रेवल भाई जल्द से जल्द हमें शिंचन को हॉस्पिटल पहुंचाना है। हाँ तो चिंता मत कर, चिंता मत कर, जल्द से जल्द बैठता हूँ मैं। अरे जल्दी ट्रेवल भाई जल्दी, शिंचन बेटा कुछ नहीं होगा। अरे अरे यार बचा लो कोई, बचा लो, ज़ॉम्बी ने काट लिया। अरे बाप रे ये सब क्या हुआ, एक काम करते हैं क्यों ना हम लोग अपने मेन वाले डॉक्टर के पास चले। अरे मेन वाला डॉक्टर कौन सा? अरे यहीं पर इधर ही रहता है ना वो, उसके पास चलते हैं, क्योंकि अभी ज़ॉम्बी ने बस काटा है जस्ट, वो उसका निकाल सकता है जहर। हाँ चला चला चलते हैं। गाइस अगर आप लोग चाहते हो हम लोग शिंचन को बचा लें, क्योंकि शिंचन को भी काट चुका है ज़ॉम्बी ने, तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। और गाइस प्लीज करो जल्दी से मेरे शिंचन भैया को बचा लो, आप लोग ही बचा सकते हो। अरे बाप रे ये क्या हो चुका है यार, शिंचन को भी काट दिया, ये नहीं होना चाहिए था। हे भगवान, काश ये ज़ॉम्बी मुझे काट लेता, लेकिन शिंचन भैया को नहीं, शिंचन भाई को काट लिया। अब क्या होगा समझ नहीं आ रहा, हम लोग कैसे भी करके हमें बचाना पड़ेगा। यहाँ पर एक वैद्य जी रहते हैं, हम लोग उनके पास चलते हैं, वो यहाँ के जाने माने डॉक्टर है, मेन डॉक्टर कहा जाता है उन्हें, यहाँ के वैद्य है, वो एकदम देसी स्टाइल में इलाज करते हैं, तो वो जहर जरूर निकाल सकते हैं। अरे हाँ उनसे तो जान पहचान भी हमारी, चलो फटाफट से चलते हैं। गाइस आप लोग यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। एंड गाइस प्लीज करो, शिंचन भैया की जान आपके हाथ में, अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो शिंचन भैया बच सकते हैं। अरे गाइस प्लीज कर दो सब्सक्राइब, मैं मरने वाला हूँ। अरे नहीं बेटा तुम जिंदा रहोगे, सब लोग सब्सक्राइब कर देंगे, जल्द से जल्द हम लोग चल रहे हैं, मुझे बूस्ट का भी यूज करना चाहिए। हम लोग फटाफट से पहुंच जाते हैं उस जगह पर, आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप लोग चाहते हो हम शिंचन को बचाएं, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में पार्ट 5 लिखो। हां गाइस जल्दी से पार्ट 5 लिखो, जिससे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में शिंचन भैया को बचा सके। हां जल्दी से लिखो गाइस, फटाफट से लिख दो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। हाँ गाइस जल्द से लिखो। तो गाइस मुझे पता है आपकी वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और फटाफट से कमेंट बॉक्स में पार्ट 5 लिखो। और हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, टाटा, टेक केयर।